Good morning class. It is the continuation of introduction class, the foundation and history of artificial intelligence. Okay, अब आप ये तो जानने की कोशिश करोगे कि भाई AI आया कब, कब से उसकी बेसिक जो नींव है वो कब रखी गई. तो हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज से नहीं है, 1943 में उसका लिटिल बिट आइडिया आया. तो जैसे 1943 में किसी ने आइडिया दिया बूलियन सर्किट मॉडल ऑफ ब्रेन का. फिर 1950 में एक एलन ट्यूरिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट किया. वो ट्यूरिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. 1956 में अभी मैंने जो डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि डार्टमाउथ मीटिंग रखी, कि कई सारे मेंबर्स को, कई सारे डिसिप्लिन को एक साथ बुलाया और एक कॉमन एजेंडा रखा कि ह्यूमन एस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में एक कंप्यूटर क्या कर सकता है. 1950 में अर्ली AI प्रोग्राम्स डेवलप हुए. फिर उसके बाद 1965 में लॉजिकल रीजनिंग रॉबिन्सन ने एक एल्गोरिदम कंप्लीट करी. 1966 से 73 के बीच में AI ने डिस्कवर किया कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी. इसी तरह से न्यूरल नेटवर्क का डेवलप हुआ. इसी तरह से आपका नॉलेज बेस्ड सिस्टम का डेवलपमेंट शुरू हो गया. इसी तरह से AI धीरे धीरे 1980 तक आते आते एक इंडस्ट्री बन गई. 1986 में न्यूरल नेटवर्क अपने में एक पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था. 1987 में AI जो है एक साइंस बन गया. 1995 में इंटेलिजेंट एजेंट्स का इमर्जेंस. इंटेलिजेंट एजेंट मतलब जैसे आज आपके पास है गूगल असिस्टेंट, या फिर आप स्पीच रिकॉग्निशन यूज़ करते हो तो गूगल असिस्टेंट क्या करता है, कन्वर्ट योर स्पीचेस, या मतलब जो आप बोल रहे हो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है. तो ये एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है. या फिर हम एलेक्सा को यूज़ करते हैं तो एलेक्सा कहती है ओ एलेक्सा प्लीज़ आप मुझे बॉलीवुड के सॉन्ग सुनाइए, तो बॉलीवुड के सॉन्ग्स वो प्रोवाइड करा देती है. तो ये आपके इंटेलिजेंट एजेंट्स के एग्जाम्पल. ओके क्लास, द नेक्स्ट वन, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम हिस्ट्री में नेक्स्ट जो हमारे सबसे पहले हम जिनकी बात कर रहे थे एलन ट्यूरिंग. एलन ट्यूरिंग एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने 1950 में ये बात बताई. उन्होंने ये बात रखी, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है एलन ट्यूरिंग, उन्होंने ये बात रखी कि देखिए इंटेलिजेंस कहाँ से आया, इंटेलिजेंस कैसे आया, इंटेलिजेंट कहाँ से आया, कैसे आया. सॉरी क्लास थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, सॉरी इसके लिए. तो ये इंटेलिजेंस कहाँ से आया, इंटेलिजेंट कैसे आया. तो द वेरियस फील्ड्स ऑफ AI हैव इन कॉमन इज द क्रिएशन ऑफ मशीन्स दैट कैन थिंक. इन ऑर्डर टू क्लासीफाई मशीन्स एज थिंकिंग इट इज़ टू बी इंटेलिजेंस. परहैप्स द बेस्ट वे टू गॉज द इंटेलिजेंस ऑफ अ मशीन इज ब्रिटिश साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग्स टेस्ट. अब ये ट्यूरिंग टेस्ट क्या था इसके बारे में हम लोग जानते हैं. तो एलन ट्यूरिंग ने सबसे पहले एक ट्यूरिंग टेस्ट दिया था. उस ट्यूरिंग टेस्ट में कहा एलन वॉज द फर्स्ट टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द प्रपोज एन एक्सपेरिमेंट नोन एज ट्यूरिंग टेस्ट. इट इज़ एन अटेम्प्ट टू डिफाइन अ स्टैंडर्ड फॉर अ मशीन टू बी कॉल्ड इंटेलिजेंट. ये उस समय एक कॉइन, एक कह सकते हैं एक वर्ड कॉइन हुआ इंटेलिजेंट, कि एक मशीन भी इंटेलिजेंट हो सकती है और वो एक इंसान को बुद्धू बना सकती है. कैसे, उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि मैं एक टेस्ट करता हूँ. एक कमरे में एक इंटेरोगेटर बैठा है, दूसरे कमरे में एक मशीन बैठी है और एक इंटेरोगेटर बैठा है. तो इंटेरोगेटर जो है वो सवाल कर रहा है मशीन से भी, और इंटेरोगेटर जो सवाल कर रहा है एक ह्यूमन से भी. तो मशीन जो है उसको बिल्कुल बिहेव, मतलब आंसर, बिल्कुल रिस्पॉन्स जो है बिल्कुल ह्यूमन की तरह दे रहा है. तो इस तरह से उन्होंने ये बात जानी कि एक इंटेरोगेटर को एक मशीन भी बुद्धू बना सकती है. तो इसका मतलब है कि जो वो मशीन है वो इंटेलिजेंट है. इसीलिए वो जो इंटेरोगेटर है उसको पता नहीं चल पाया कि पीछे वाले जो कमरे में वो एक मशीन भी उसको जवाब दे रही है. तो ये टेस्ट कहलाया ट्यूरिंग टेस्ट. इससे यहीं से एक वर्ड कॉइन, एक वर्ड निकला कि मशीन भी इंटेलिजेंट हो सकती है. तो वो पहली बार उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट. ये ट्यूरिंग टेस्ट आपको मैं फर्दर आगे पढ़ती हूँ. बाय दिस टेस्ट अ कंप्यूटर कुड बी सेट टू थिंक इट कुड फूल अ ह्यूमन इंटरोगेटर इनटू थिंकिंग दैट द कन्वर्सेशन वाज विद अ ह्यूमन. दिस शोड अ रिमार्केबल फोरसाइट एट अ टाइम लॉन्ग बिफोर द इंटरनेट. ये इंटरनेट से पहले की बात है, जब इंटरनेट नहीं जन्म हुआ था, उसका बर्थ नहीं हुआ था इंटरनेट का. तो उस टाइम की बात है कि एक कंप्यूटर भी सोच सकता है. वो 1945 से लेकर 50 के बीच में ये वाली बात आई कि एक कंप्यूटर, एक सिस्टम जो एक कंप्यूटर हुआ करता था, वो एक पूरे कमरे के बराबर हुआ करता था. उस टाइम पे वो भी मशीन सोच सकती है. इसके बारे में ये इंटेलिजेंस वर्ड वहाँ से कॉइन हुआ, ये वर्ड वहाँ से आया. ठीक है, तो उसके बाद ये है कि वेन द ओनली अवेलेबल कंप्यूटर्स वर द साइज ऑफ अ रूम एंड लेस पावरफुल देन अ मॉडर्न पॉकेट कैलकुलेटर. मतलब एक मॉडर्न पॉकेट कैलकुलेटर के बराबर वो बड़ा सा कमरे में कंप्यूटर के
कंप्यूटर हुआ करता था, आपको पता है सुपर कंप्यूटर के बारे में अगर आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि सुपर कंप्यूटर मशीन एक बहुत बड़ी मशीन हुआ करती थी जो एक सिंपल 2+2=4, 5+2=7 ये आंसर दिया करती थी, जो आज के टाइम में एक मॉडर्न पॉकेट कैलकुलेटर काम करता है। नेक्स्ट जो है फाउंडेशन एंड हिस्ट्री ऑफ AI, ये थे 1956 में जिन्होंने थोड़ा एक और कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझा, इन्होंने मीटिंग बुलाई, कॉन्फ्रेंस बुलाई, ये थे जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी क्या थे, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई जो अभी हम लोग और सबके सामने एक ब्रेन स्टॉर्मिंग रख दी कि क्या मशीन इंटेलिजेंस है, क्या ये काम कर सकती है। तो ये कब हुआ था, डार्टमाउथ के टाइम पे, डार्टमाउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन AI, ये एक बेसिकली AI का वर्ड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड भी उस समय बर्थ हुई 1956 में, और विद द हेल्प ऑफ सम रिसर्चर्स और विद द हेल्प ऑफ सम साइंटिस्ट, जहाँ पर उन्होंने अपनी बातें सामने रखी। ओके क्लास, नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे।